मेरी ओर देखो पद्मा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में पाकर खुश हो? आज की रात इस सृष्टि में हमारे योगदान की रात है पद्मा। प्रकृति जितनी सुंदर है उतनी ही रहस्यमय भी। उसे सफेद दाग है मां। अरे ये तो सरासर धोखा है, जानसाजी है। बहू तुम्हारे पिता ने अच्छा नहीं किया। बस मुझे वापस न दीजिए, मुझे यही रहने दीजिए। आपकी बेटी को सफेद दाग है। समझी जी नहीं, नहीं समझी जी नहीं। थी 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 थी। ना जाने कौन है, किस जाति की है। पागलों की तरह क्यों हंस रहा है? जी शंभुदेव, मैं नहीं हंस रहा, ये पद्मा प्रिया है, पांडा भागवती जी की बेटी। पहचाना पहचाना पहचाना। यशोदा मैं बाप हूँ, अपनी बेटी को भरी पंचायत में नंगा होते नहीं देख सकता। इस भरी दोपहरी में यहाँ क्यों आती हो? भली वाले देव, ये क्या कर रहे हैं आप? प्राश्चित। प्राश्चित? हाँ। आज सुबह भैंसे की बलि देते समय मुझे 3 प्रहार करने पड़े, फिर अभी ऐसा ना घटे इसी की शिक्षा दे रहा हूँ अपने आप को। कैसा साहस लावण्य, हम अपनी हिम्मत कहाँ और कैसे दिखाए? हमारा समाज, हमारा परिवेश हमें क्या करने देगा? आओ, कुछ ही दूरी पर इसी गुफा के भीतर है वो कंद फूल। ये मादक गंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है ये मादक गंध? ये रहस्यमयी देवी की रक्त की गंध। हमारे ऊपर शनि का प्रभाव था, राहु का दोष था। भागवत जी, वो आ रहा है। वो कौन? अरे वही आपका दामाद भुवनेश्वर। आज अपनी पत्नी पद्मा प्रिया को अपने घर ले जा रहा हूँ। ये संतान आपकी नहीं है। तो फिर किसकी है संतान? कौन है इसका बाप? बताओ मुझे। बलि देने वाले शंभुदेव। देव, मुझे गंध प्रकृति की गंध लगती है, पुरुष प्रकृति की गंध।